viewers, welcome to my channel. I am Akaraman Qureshi, IT trainer and motivational speaker. इस वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैंने 10 मूवीज़ का जिक्र किया है, 10 मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल मूवीज़ उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं, कोई पर्पस नहीं, कोई आइडियाज़ नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करें. तो I especially, you can say, I strongly recommended this video to all those peoples. ये मैं उन यानी लोगों को यानी मैं especially recommend करता हूँ कि ये video ज़रूर देखें. क्या पता कि ये video उनकी ज़िंदगी के अंदर एक नई start करने की कोई वजह लेके आए. तो आइए start करते हैं this video. वो 10 कौन सी movies हैं जो आपकी लाइफ के अंदर यानी कोई इंस्पिरेशन और मोटिवेशन क्रिएट कर सकती है. आइए देखते हैं. पता नहीं यार ये नाम मुझे किसने और क्यों दिया, पर क्या फर्क पड़ता है दोस्त, मैं अपने काम से काम रखता हूँ. हाँ पहले मैं भी वही कर रहा था लेकिन मैं फंस गया फालतू में. गांव वालों को लगा कि मैं उनका कोई हीरो या मसीहा हूँ सर. तो फिर बन जाओ मसीहा. नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हैं सर, ये मेरे बस की बात है ही नहीं. बिल्कुल गलत, इतनी दूर आकर खाली हाथ वापस जाने में फायदा क्या है बेटे, समझा करो. ये तुम्हारे बस की नहीं तुम्हारे अंदर की बात है. पर मैं वापस नहीं जा सकता. अब वक्त बर्बाद मत करो बेटा, कहानी का हीरो ही कहानी में ना हो ये नहीं हो सकता. हाँ अकेले ही छेनी हथौड़ी से पूरा पूरा पहाड़ तोड़ दिए. अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे? हम तो ठेपा मार हैं तो हम क्या कहेंगे भैया. कुछ तो कहिए. हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठाओ. वैसे सर स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती. तो मिस माथुर अब इम्तिहान उनका कम और आपका ज्यादा है, और आप चाहे ना चाहे वो इम्तिहान तो क्लासरूम में ही होगा, वो भी एग्जाम डे पे. हे किसी को ये कहने का मौका ना देना कि तुम कोई काम नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं. ठीक है? ठीक है. तुम्हारा कोई ख्वाब है तो उसका ख्याल रखो. लोग जो काम खुद नहीं कर सकते तुम्हें भी ऐसा ही बोलेंगे कि तुम भी नहीं कर सकते हो. तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे हासिल करो, पीछा करो उसका. राष्ट्रपति साहब थोड़ी लिखी बहुत समझना, चिट्ठी को तार समझ के जल्दी जवाब देना. मैं ढाबे में काम करने वाला एक बच्चा हूँ, मैं समझ गया कि हर बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है और राष्ट्रपति कलाम भी बन सकता है, बस इतना ही कहना है. और हाँ थैंक यू भी बोलना है, आपका आगे का स्टूडेंट कलाम. 102 और 104 ऑर्डर मैंने. Thank you.
तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से का होगा, का होगा? मर जाओगे? अरे मर तो उसी दिन गए थे जब एक गरीब के घर में पैदा हुए थे, उसी दिन मर गए थे। अगर सिल्वर जीतती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जावेंगे, गोल्ड जीतती तो मिसाल बन जावेगी। और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। अब अपनी लाइफ का एक मिनट रिवाइंड करो और सोचो, जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर को कर नहीं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हेलो, ख्याल करना, बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी। इसमें इलाज की शक्ति है, एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है। एक अच्छी प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं, बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ। क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना, ये दिलासा। ख्याल करना।